नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूट्यूब सक्सेस पर। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th, यानी कि जिन वैकेंसीज के लिए आप 12th के बाद भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 वैकेंसीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी वैकेंसीज एवरी ईयर निकलती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौन सी वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और इन सभी वैकेंसीज की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। इसके बारे में आपको साथ ही साथ डिटेल देता चलूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ये मैं आपके लिए टॉप 10 जॉब लेकर आया हूँ, ये मैंने रैंकिंग के अकॉर्डिंग रखी हुई, यानी कि जो सबसे बेस्ट है उसे रैंकिंग फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कौन सी है। तो जो फर्स्ट जॉब आपके लिए निकल के आती है वो एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट, यानी कि एसएससी के थ्रू एक वैकेंसी निकलती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की 12th बेस्ड की वैकेंसी, यानी कि 12th के बाद आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एवरी ईयर ये वैकेंसी निकलती है। फिलहाल इसका एग्जाम हो चुका है, जुलाई में इसका एग्जाम हो चुका है। अब जब इसके फॉर्म निकलेंगे वो आपके 12 दिसंबर 2019 को निकलने वाले हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है। सैलरी इसमें आपको लगभग 27,000 के आसपास मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपकी तीन पोस्ट होती है, एक आपकी इसमें एलडीसी यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क की वैकेंसी होती है, एक आपकी इसमें डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और एक आपकी इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट की। काफी अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल के डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाता है। एवरी ईयर ये वैकेंसी निकलती है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। सेकंड सबसे बेस्ट जॉब है केवीएस एलडीसी रिक्रूटमेंट, यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति, जिसमें आपकी एलडीसी यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क की वैकेंसी निकलती है। यह वैकेंसी भी एवरी ईयर निकलती है। 2018 में निकली थी, अब जो ये वैकेंसी निकलेगी करीब अक्टूबर नवंबर के आसपास निकलेगी। इसमें भी आप 12th के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम 18 ईयर होती है, और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 27 होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की जॉब है, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट इस वैकेंसी का वेट करते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए मैंने ये सेकंड पॉइंट पर रखी हुई है। बात करते हैं आपकी थर्ड वैकेंसीज के लिए, वो है आपकी एनवीएस एलडीसी रिक्रूटमेंट, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति, जिसमें आपकी एलडीसी लोअर डिविजन क्लर्क की वैकेंसी निकलती है। ये वैकेंसी भी आपकी एवरी ईयर निकलती है। 2018 जनवरी में निकली थी, अब ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 अगस्त 2019 है। इसके लिए भी आप 12th के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। काफी अच्छी वैकेंसी है, इसलिए मैंने थर्ड रैंकिंग पर रखी हुई है। सिलेक्शन के बाद जो आपकी इसमें सैलरी होगी वो आपकी लगभग 28,000 के आसपास होती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के, यानी कि नवोदय के जो सेंट्रल लेवल के कॉलेज है, उसमें आपको अपॉइंट किया जाता है लोअर डिविजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। फोर्थ जो आपके लिए टॉप वैकेंसी निकल के आती है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट। ये एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जो कि एवरी ईयर एसएससी के थ्रू निकल के आती है। इसमें आपके दो ग्रेड है, सी ग्रेड और डी ग्रेड। जो सी ग्रेड है वो आपका थोड़ा हाई लेवल का है, डी ग्रेड है वो थोड़ा सा लो लेवल का है। ये भी आपके 12th के बाद ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी इसमें 18 टू 27 ईयर रखी जाती है। जो आपकी सी ग्रेड की सैलरी होती है वो आपकी लगभग 34,000 के आसपास होती है सिलेक्शन होने के बाद। डी ग्रेड की जो आपकी इसमें सैलरी होती है वो 27,000 के आसपास होती है सिलेक्शन के बाद। इसमें आपको सेंट्रल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया जाता है। एवरी ईयर वैकेंसी निकलती है। 2019 के अंदर जब ये वैकेंसी निकलेगी, 17 सितंबर 2019 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 17 सितंबर को इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। बात करते हैं आपके लिए फिफ्थ वैकेंसीज के बारे में, जो कि एक डिफेंस जोन से निकल के आती है, जो कि आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी, यानी कि जितने भी आपके पैरा फोर्सेज है, जैसे कि आपका सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, तो और भी आपके काफी सारे पैरा फोर्सेज है, इनके अंदर आपके एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकलती है, जो कि 12th के बाद होती है। यानी कि अगर आपने 12th किया है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में आप
आपकी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी चली हुई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म जनवरी में अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे और जिसका पीएसटी हो चुके हैं और रिटन एग्जाम सेप्टेम्बर या अक्टूबर में होने वाला है। काफी अच्छी वैकेंसी होती है, इसलिए मैंने फिफ्थ रैंकिंग इसको दी है। 18 to 25 ईयर इसकी एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। एवरी ईयर हर एक पैरा फोर्स में निकलती है, सीआईएसएफ की निकल चुकी है और 2019 में एसएसबी में भी ये वैकेंसी निकल चुकी है और आईटीबीपी का एग्जाम भी हो चुका है। अभी नेक्स्ट ईयर सीआईएसएफ में निकलेगी और सीआरपीएफ में जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी वो आपकी लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ तक आ जाएगी। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी इसमें सिलेक्शन के बाद सैलरी होती है वो लगभग आपकी 30 to 32 thousand के आसपास होती है, जो कि काफी अच्छी होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी सिक्स वैकेंसी के लिए, जो कि आपकी एक डिफेंस जोन की ही वैकेंसी है, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी। ये भी काफी अच्छी वैकेंसी है, हाल ही में आपकी निकली हुई थी, फिर आपकी निकलने वाली है। मैं आपको बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी अब आएगी वो लगभग अगस्त के लास्ट वीक या फिर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक तक 100% आ जाएगी। लगभग इसमें आपकी 9000 वैकेंसी आएगी, जिसमें 4500 मेल कैंडिडेट के लिए होगी, 4500 फीमेल कैंडिडेट की होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसका अनाउंस कर दिया है। इसमें केवल 10th पास मांगा जाता है, जिन लोगों ने 10th पास किया है फिर उससे ज्यादा किया है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल में जो आपकी सैलरी होती है सिलेक्शन होने के बाद वो लगभग आपके 27,000 के आसपास होती है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है, इसलिए मैंने इसको 0.6 के ऊपर रखा हुआ है। तो जो आपकी 7 नंबर पर वैकेंसी आती है वो डेली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इसके लिए भी आप 12th के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बाकी की स्टेट पुलिस होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप दिल्ली पुलिस को उन वैकेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल की वैकेंसी होती है। जो दिल्ली पुलिस होती है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, इसलिए इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, इसकी फैसिलिटी और कंफर्ट जोन भी काफी अच्छा होता है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी होती है, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो इसकी मिनिमम होती है वो आपकी 18 ईयर ही होती है। अब जो ये वैकेंसी आएगी वो लगभग सेप्टेम्बर तक आ जाएगी, लगभग 5000 के आसपास मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस को लेकर एक्साइटेड है तो इसके फॉर्म आने वाले हैं, इसलिए आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, सिलेक्शन होने के बाद आपको काफी ज्यादा कंफर्ट फील होगा, क्योंकि फैसिलिटी काफी ज्यादा है बाकी स्टेट के पुलिस की कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस में। तो जो 8 नंबर की वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल की वैकेंसी। वैसे तो एयरफोर्स के अंदर दो ट्रेड के अंदर वैकेंसी निकलती है, एक आप किसमें टेक्निकल ट्रेड होता है, एक नॉन टेक्निकल, यानी कि एक एक्स ग्रुप होता है, एक वाई ग्रुप। इस वीडियो में आपको केवल वाई ग्रुप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वाई ग्रुप की ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी कि मैथमेटिक्स या फिर आपको फिजिक्स की जरूरत नहीं होती। अगर केवल आपने 12th पास किया है तो आप वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है, जो इसकी एज लिमिट होती है वो 17 to 21 होती है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी होती है, जो सिलेक्शन के बाद आपको इसमें सैलरी मिलती है वो लगभग आपकी इसमें 26,000 के आसपास होती है, काफी कंफर्ट जोन की, सेंट्रल लेवल की आपकी एक वैकेंसी होती है, हाईली डिफेंस जॉब इसे माना जाता है। तो जो 9 नंबर पर आपके लिए वैकेंसी निकल के आती है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, यानी कि एसएससी के थ्रू एक जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आती है, जिसे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रिक्रूटमेंट भी माना जाता है, क्योंकि एवरी ईयर इस वैकेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है ना, उससे भी ज्यादा कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके लिए केवल 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके टोटल 8 पैरा फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आपका एसएसबी, बीएसएफ, आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, तो इनके अंदर आपको एज अ कांस्टेबल अपॉइंट किया जाता है, यानी कि सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट होती है। फिलहाल ये वैकेंसीज चली हुई है, इसके पीएसटी और पीईटी चले हुए, एग्जाम इसका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी 2020 जनवरी या फिर फरवरी के आसपास आएगी और लगभग आपकी मोर देन 80,000 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। इसमें आपका फिजिकल भी होता है और आपका इसमें रिटन एग्जाम और मेडिकल के बेसिस पर ये वैकेंसी कंप्लीट की जाती है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर सीरियस हो तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म जनवरी या फिर फरवरी 2020 के आसपास आने वाले हैं।
तो जो लास्ट वैकेंसी आपके लिए निकल के आती है वो एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट की, यानी कि एसएससी के थ्रू एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती है एवरी ईयर, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th पास मांगा जाता है, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2019 में वैकेंसी निकल चुकी है, फिलहाल इसके एग्जाम चले हुए हैं। अब जो ये नई वैकेंसी आएगी ये फरवरी या फिर मार्च 2020 के आसपास आएगी, तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन के बाद आपको इसमें सैलरी मिलती है वो लगभग आपको 23,000 से या फिर 24,000 के आसपास मिलती है। वैसे तो काफी अच्छी होती है लेकिन ज्यादा हाई लेवल की वैकेंसी नहीं होती, सैलरी इसमें ज्यादा आपकी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको टैंक रैंकिंग दी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12, यानी कि जिन वैकेंसीज के लिए आप 12 के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर एक्साइटेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म अप्लाई करने में, तो मैंने आपको सबकी कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये भी आपको बता दिया, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो लोग गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।